हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कुकिंग विदुषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अनोखी रेसिपी बना रहे हैं, मटर की बर्फी, जो कि मैंने अपने घर के ही खोए से बनाई है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल कुकिंग विदुषा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमने ये रेसिपी किस तरह से बनाई है, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है, आराम से टूट रही है और बहुत टेस्टी बनी है। मटर की बर्फी है, घर की बनाई हुई है। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। और देखिए आज हमारी इस वीडियो में हमने इसी बर्फी को बनाया है, बहुत ही अच्छी बनी है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कुकिंग विदुषा को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। जाड़े का सीजन चल रहा है, इसमें सब्जियां बहुत मिलती हैं मार्केट में, इसमें हरी मटर बहुत आई हुई है। तो मैंने आज मटर की बर्फी बनानी है। ये मैंने 250 ग्राम दाने लिए हैं, मटर के दाने हैं, कच्चे दाने हैं ये। इनको हम अभी स्टीम देंगे, यानी कि हम इन्हें आधा पकाएंगे, पूरा नहीं उबालेंगे, आधा उबालेंगे। ये हमारी खोया है, 150 ग्राम खोया है जो कि घर का बनाया हुआ है। ये 150 ग्राम चीनी है। ये मैंने कुछ बादाम लिए हैं क्रश करके, इनको ऊपर से हमें गार्निशिंग करने के लिए। ये 1 TSP हमने कार्डेमम पाउडर लिया है। ये मैंने कुछ देसी घी लिया है, करीब 100 ग्राम के करीब है। अब देखते हैं उसमें हम कितना डाल सकते हैं। ये हमारी सामग्री है, अब हम इसको स्टीम देते हैं। इसमें डाल के मैं स्टीम देती हूँ अभी। ये हमने स्टीम लगाने के लिए रख दिया है इसको, इसको हम ढक देते हैं। ये हमें 3 मिनट हो गए हैं, हमारी ये मटर आधी हाफ हो गई होगी। मैं इसे मैं बंद कर देती हूँ, मैंने गैस बंद कर दी है। हाँ ठीक है, हमने आधा उबाल लिया है इसको। अब इसे जार में डालते हैं। ग्राइंडर में इसका पेस्ट ढंग से नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 TVS पानी डालूंगी। इतना पानी डाल देते हैं। स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है, क्योंकि हमने स्टीम दी थी ना, इसलिए हमें इसमें ये भर के एक पानी डालना पड़ा 1 TVS, जिससे कि स्मूथ पेस्ट बन गया है। अगर हम बॉईल करते तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं सारा घी इसमें डाल दिया है। इसको जब तक चलाएंगे जब तक इसमें से जो ये पानी की आवाज आ रही है ये खत्म हो जाएगी। ये अपने आप पैन को छूने लगेगा पेस्ट जो है। ये हमारी मटर भुन गई है, क्योंकि इसकी पैन छूने लगा है इसको पेस्ट को। देखिए खोया डाल देती हूँ। ये खोया हमारे घर का बना हुआ है, इसलिए मुझे भूनने की जरूरत नहीं है। गुलाबी गुलाबी सिका हुआ है, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने खोया कैसे बनाया हुआ है, और कार्डमम पाउडर का भी वीडियो पड़ा है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। मैं ज्यादातर खोया अपने घर का ही इस्तेमाल करती हूँ बना के घर में। अब खोया मिक्स हो गया है, इसमें शुगर डाल देते हैं। ये मैंने 150 ग्राम शुगर ली है, आप चाहें तो पीसी चीनी भी डाल सकते हैं इसमें, मैंने तो ऐसी शुगर डाल दी है बिना पीसी। अभी थोड़ा सा चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो पानी छोड़ने लगेगी। आधे बादाम डाल देती हूँ उसमें,
अभी कार्डमम पाउडर भी इसमें डाल देते। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बन गया है मेरा। अब इसको मैं एक थाली में पलट लेती हूँ। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं आधा पौन घंटे के लिए, तो अब ना ये सेट हो जाएगी। सेट हो गई है क्योंकि जाड़े का सीजन है तो जम जाएगी नीचे से, इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी के ऊपर रख दिया था। अभी नॉर्मल हो गई है, आप जिस चाहे शेप में काट सकते हैं। बहुत ही अच्छी जमी है देखिए। लीजिए हमारी बर्फी तैयार है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है देखिए। हमारी मटर की बर्फी तैयार है। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद उषा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय।